हेलो एवरीवन, दिस इज AK22। आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व न्यू डायनो रिव्यू में। एंड्रयू शॉर्स नाम का एक मैमल जो कि ऐड होने वाला है नए मैप फ्योर्डर में, जो कि आएगा जून में। जून में नया DLC लॉन्च होने वाला है फ्योर्डर नाम से, एक नया मैप, एक ब्रांड न्यू मैप जिसमें ये न्यू डायनो आने वाला है। दो तीन डायनोज और आए हैं जिनका भी मैं रिव्यू करूंगा आने वाले दिनों में। सो दिस इज अ मैमल एंड्रयूसॉरस। देखो क्या कूल लग रहा है। और इसके ऊपर जो है एक टरेट लगी हुई है। इसका जो ओरिजिन है ये मंगोलिया चाइना में पाया जाता था, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, और उसी के ऊपर इन्होंने इसको बनाया है एंड्रयूसॉरस। इसका नेम भी वही है और ये टेमेबल है। एंड इसकी सैडल पे शायद डिफॉल्ट टॉरेट आती है, ये जो दिख रही है ना आपको डिफॉल्ट लगी हुई है। पूरा आर्मर्ड है, देखो पूरे इसके जॉ से लेकर पूरी इसकी नॉस्टिल से लेकर पूरा पीठ तक एक आर्मर्ड कवच है, और उसके ऊपर एक टॉरेट लगी है, और इसके अंदर हम बैठते हैं। जो प्लेयर रहता है वो इसके अंदर जाके बैठता है। और इसका स्लाइडिंग मूव ये तो बड़ा मस्त लगा मुझे। ये अंदर से ऐसा लुक दिखेगा आपको जहाँ से आप शूट कर सकते हो। इसका फायर रेट ठीक है, इतना फास्ट भी नहीं है। और ये विलेज जो इन्होंने बताया है ये शायद हो सकता है इस गेम में। ये आई है पूरी एक स्क्वाड एंड्रयूसॉरस की कैमोफ्लॉज्ड। इनके ऊपर इनका जो आर्मर वो पूरा कैमोफ्लॉज्ड है, मतलब इनका कलर चेंज कर सकते हो। मस्त लग रहा है। इधर एक रैप्टर के साइज, तो साइज जो डिफरेंस देखें इसमें, ये कार्रो है, दिस इज रैप्टर एंड दिस इज एंड्रयूसॉरस। तो इसका साइज जो है वो अराउंड कार्नोटोसॉरस के जितना ही होना चाहिए है, दिख तो इसमें ऐसा रहा है। अब अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है हमारी प्लेयर के साइज से, तो ये इतना दिखता, काफ़ी बड़ा है, उस हिसाब से काफ़ी बड़ा ही है। और एक इसका इंटरेस्टिंग मूव है ये वाला, ये शायद इसका अल्ट अटैक हो सकता है, जो कि काफ़ी फनी है। नाइस, ये जो मैप है आपका नया प्यूरर जून में आएगा, जून में इसकी रिलीज डेट बता रहे हैं। मुझे तो ये डायनो अच्छा लगा है, एक माउंटेड विद टॉरेट। और अभी इसको कैसे टेम करना है वो कुछ नहीं बताया, बस इसका शोकेस बताया छोटा सा। और इस विलेज में देखो यहाँ पर कैंगरू है, मॉस चॉप बैठा है, यहाँ पर एक और हाइना डॉन बैठा है यहाँ पर छोटा सा। फिर ये आता है स्लाइड लेके शूट करना स्टार्ट। ये देखो ये बैठा है एक और हाइना डॉन, जो कि कुछ नहीं कर रहा, बैठा है बस वो वहाँ पे। तो साइज कंपैरिजन में तो काफ़ी बड़ा ही है। ये PvP बैटल्स में बहुत काम आने वाला है। और ये भी देखना है कि इसकी जो टरेट है वो कौन से लेवल पे अनलॉक होगी। तो इसके अंदर अगर आप बैठते हो तो आप सेफ रहते हो इस छोटे से डब्बे के अंदर। और शायद से जब आपको इसको एक्टिवेट करना रहता है, जब भी टरेट आप यूज़ करते हो तो आपको फर्स्ट पर्सन मोड में ही जाना पड़ता है। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में इसकी टरेट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। फ्योर्डर मैप में और डायनोज आए हैं, उसके रिव्यूज भी मैं जल्दी करूँगा इसी वीक। देखते हैं और कौन कौन से डायनोज इसमें ऐड होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये न्यू डायनो कैसा लगा। और देखते हैं इसका जो नया मैप आने वाला है वो फ्री होता है कि नहीं, क्योंकि जो लास्ट मैप जो आया है इसका लॉस्ट आइलैंड वो तो फ्री है, और वो भी काफ़ी अच्छा मैप है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। Bye-bye then. Ta-da.